मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार चारों ओर से घिरती हुई नजर आ रही है। एक ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने आदिवासी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर रखा है, तो दूसरी ओर अब भाजपा नेता ही अपनी सरकार को घेरने लगे हैं। वहीं भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने भी शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब तक सिर्फ कांग्रेस ही घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहती आई है, लेकिन अब इस विपक्ष के आरोपों पर पीएम मोदी के मंत्री और प्रदेश के टीकमगढ़ सीट से सांसद वीरेंद्र खटीक ने मोहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकास पर्व में जुटे शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा की घोषणाएं भूल गए हैं। उन्होंने 2013 और 2018 के घोषणा पत्रों के जरिए घोषणाओं की याद दिलाई। सीएम शिवराज को लिखे पत्र में वीरेंद्र खटीक ने लिखा, मेरे संसदीय क्षेत्र जिला टीकमगढ़ के विकास खंड बलदेवगढ़ की ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। पत्र में आगे लिखा है, वर्ष 2013 और 2018 में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत भेलसी में आपने प्रवास के समय इन मांगों को पूर्ण करने की घोषणा की थी। भेलसी ग्राम पंचायत टीकमगढ़ जिले की बड़ी पंचायत में से एक है। यहाँ की आबादी 14,000 से अधिक है। ग्रामीण जनों और क्षेत्रवासियों के मांग के आधार पर आपके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप उक्त मांगों से शीघ्र पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। वीरेंद्र खटीक ने दोबारा लिखा, ग्राम पंचायत भेलसी में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और खाद बीज गोदाम खुलवाने की शीघ्र स्वीकृति करें। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में खराब स्वास्थ्य सेवाओं, लचर शिक्षा व्यवस्था, किसानों की खाद बीज को लेकर परेशानियों के चलते केंद्रीय मंत्री नाराज चल रहे हैं। अब ऐसे में पार्टी के नेता ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चित ही शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।